नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हूँ आपका बुक ऑडियो पर, किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर कमल कांत लाल द्वारा रचित कहानी संग्रह दास्ताने विकास नगर, इसकी एक कहानी जिसका शीर्षक है 2000 का नोट, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशीष सरीन की जुबानी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए न जाने किन ख्यालों में डूबा एक युवक ऑटो रिक्शा से उतरा। ऑटो ड्राइवर को एक नोट थमाकर वह मुड़ा और सड़क पार करने लगा। अपने विचारों में वह इतनी गहराई से डूबा था कि बेख्याली में एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आते आते बचा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई और ट्रक के टायर चीखे। ड्राइवर ने खिड़की से सिर निकालकर एक गंदी सी गाली दी और कहा, मेरा ही ट्रक मिला था तुमको खुदकुशी करने के लिए। वह युवक सदमे में अपनी जगह पर जैसे जम गया। वहां से गुजरते दूसरे राहगीर रुककर उसे आश्चर्य से देखने लगे। ऑटो ड्राइवर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उस व्यस्त चौराहे पर गुजरती तेज रफ्तार वाहनों से बचाते हुए उसे सड़क पार करा दिया। उसके द्वारा दिए गए नोट को उसके चेहरे के आगे लहराते हुए वह ऊंची आवाज में बोला, कहां ध्यान है तुम्हारा? किराए के 20 की जगह 100 रुपए का नोट देकर बकाए की रकम वापस लेने की भी सुधि नहीं है, तब तो ठीक है। उस युवक ने सिर हिलाकर समझाया कि वह ठीक है। ऑटो ड्राइवर ने बकाए की रकम उसके हाथ में थमाई और चला गया। निष्प्रिय भाव से पैसों को बिना गिने अपनी पैंट की जेब के हवाले करके वह बस अड्डे पर जाकर खड़ा हो गया। अपनी पीठ एक कंबे से टिकाकर वह खड़ा हो गया। अपने सिर को अपनी छाती पर झुकाए वह फिर से अपने ख्यालों में डूब गया। सामने से सवारियों को आवाज लगाती हुई कई बसें आकर गुजर गई। उदासी में डूबा वह युवक अपने आसपास की भीड़ और चहल पहल से बिल्कुल कटा हुआ था। यह एक व्यस्त चौराहा था। गुजरते हुए वाहन, आते जाते लोगों का सैलाब और फेरी वालों की गश्त के बीच एक विक्षिप्त हाथ फैलाकर वह खड़े लोगों से पैसे मांग रहा था। बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे बाल, शरीर पर मैली सी गंजी, कंधे पर तार तार एक कंबल और मैली कुचेली एक पोटली, पीछे से फटी और आगे से चेन खुली हुई घुटनों तक की पैंट, एक मक्खी उसके चेहरे पर भिनभिना रही थी। उसे देखकर लोग आंखें बोही सिकोड़ते हुए और जमीन पर पच से थूक देते, जैसे उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो। एक बुदबुदाया, इनका कोई भला नहीं कर सकता, कोई काम धंधा करेंगे नहीं, बस हंडिया दारू पीकर मस्त रहेंगे, ये लोग समाज पर एक बोझ है। उसको अपने पास देखते ही या तो लोग अपनी जगह बदल लेते थे या फिर कुछ पैसे उसकी हथेली पर रखकर उसे चलता कर देते थे। कुछ तो उसे डांटते और मारने की धमकी तक दे देते थे, लेकिन इन सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। उस युवक के सामने आकर जब उसने हाथ फैलाए तो उसने ना ही उसको देखकर मुंह बिचकाया और ना ही उसको दुत्कारा। अपनी कमीज की ऊपरी जेब में हाथ डालकर जो पहला नोट उसके हाथ में आया उसको देखकर वह सामने से आती बस पर चढ़ गया। कंडक्टर ने दरवाजे को जोर से थपथपाकर सीटी बजाई और बस आगे बढ़ गई। विक्षिप्त काफी देर तक मिली हुई नोट को उलट पुलट कर देखता रहा। उस युवक ने शायद ध्यान नहीं दिया था, उसने 2000 का नोट उसे थमा दिया था। अच्छी तरह नोट का मुआवना करने के बाद वह विक्षिप्त अपने गंदे बदसूरत दांत निपोड़ कर जोर से हंसा और नाचने लगा। लोगों ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। विक्षिप्त खुशी से कुलाचे मारता पास के एक होटल की ओर दौड़ा। माँ काली भोजनालय का मालिक दरवाजे पर ही अपनी कैश काउंटर के पीछे बैठा था। अंदर छोटी छोटी मेजों के आगे बेंचों पर बैठे लोग जलेबी, समोसा और चाय का आनंद ले रहे थे। विक्षिप्त को पास आता देख होटल का मालिक दूर से ही चिल्लाया, कहाँ चला आ रहा है, रुक जा वहीं पर। हाँ हाँ, वहीं बैठ, चाय पिएगा? अरे गणेश, इसे एक समोसा और चाय दे दे। विक्षिप्त ने वहीं से अपने दांत निपोड़ कर अपना खाने का ऑर्डर दिया, 4 समोसा, 4 जलेबी, और 2000 का नोट निकालकर होटल के मालिक को दिखाया। होटल के मालिक ने उसे इशारे से पास बुलाया, उसके हाथ से नोट लेकर उसे अच्छी तरह से देखा, आसमान की तरफ उठाकर गौर से उसके अंदर झांका और आश्वस्त होकर बोला, गणेश, इसको 4 समोसा और 4 जलेबी दे, चल यही जमीन पर बैठ जा। उसके नोट गले में डालने की जगह अपनी जेब में सरकाई और अपनी दुकानदारी में व्यस्त हो गया। विक्षिप्त ने अपनी पोटली में से अपना एल्यूमिनियम का कटोरा निकाला और जमीन पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगा। गणेश ने लाकर उसके कटोरे में जब एक समोसा डाला तो वह जोर से चिल्लाया,
चार समोसा और चार जलेबी। होटल के मालिक ने भी गणेश को डांट लगाई। अरे बोले थे ना, सुना ही नहीं दिया तेरे को? लाकर दे इसको चार समोसे और चार जलेबी, और बाद में चाय भी देना। गणेश मालिक के चेहरे को ऐसे देखने लगा जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं मालिक मजाक में तो नहीं कह रहा। मालिक से दोबारा घुड़की मिलने के बाद वह दौड़कर समोसे और जलेबी ले आया और विक्षिप्त को देखकर बुरा सा मुंह बनाने लगा। 5 मिनट में विक्षिप्त सारा कुछ चट कर गया। होटल के मालिक ने उसे और 2 समोसे और 2 जलेबी दिलाई। पहले उसने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। पानी पीकर वह फिर से खाने में जुट गया। कुल 8 समोसे और 6 जलेबियां खाने के बाद उसने 2 चाय पी और अफर कर वहीं जमीन पर लेट गया। एक ग्राहक ने होटल के मालिक पर तंज भी कसा। क्या बात है, आज इस आदिवासी पगले पर तुम बड़े मेहरबान हो रहे हो। आज पंडित जी बोले थे कि किसी को पेट भर के खिलाओगे तो व्यापार में फायदा होगा, इसलिए। उसने उसे समझाने की कोशिश की। ग्राहक हंसा। इन लोगों को खिलाकर पुण्य नहीं मिलेगा तुमको, किसी जरूरतमंद को खिलाओ, हरामखोर को नहीं। पैसे चुकाकर ग्राहक हंसता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। होटल के मालिक ने एक बार मुड़कर विक्षिप्त को देखा और फिर अपने काम में ऐसे लग गया जैसे उसे बिल्कुल भूल गया हो। थोड़ी देर बाद विक्षिप्त ने करवट बदली, फिर उठकर बैठ गया। काफी देर तक बैठे रहने के बाद वह उठा और कैश काउंटर के पास आकर खड़ा हो गया। होटल के मालिक ने मुड़कर प्यार से कहा, अब हो गया बाबा, आगे जाओ। विक्षिप्त ने दांत निपोड़े। मेरा पैसा? चलो चलो अब जाओ भी, धंधा का समय खराब मत करो। होटल के मालिक ने उसे टरकाने की कोशिश की। विक्षिप्त ने परेशान होकर इस बार जोर से कहा, 2000 का नोट, मेरा पैसा दो। होटल मालिक अचानक भड़क गया, भागता है या लगाएं 2 डंडे। विक्षिप्त हतप्रभ होकर इधर उधर देखने लगा, फिर गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में उसने दोहराया, 2000 का नोट, पैसा दो ना। होटल मालिक आग बबूला हो गया और उसने अपने 2 लड़कों को उसे वहां से खदेड़ने के लिए कहा। दोनों लड़के डंडे लेकर दौड़े। विक्षिप्त सड़क की दूसरी तरफ भागा और उसने हाथ में ईंट का एक टुकड़ा उठा लिया। मार देंगे आपको। लड़के हंसते हुए वापस चले गए। उसने पास खड़े तमाशाइयों से गुहार लगाई, मेरा पैसा दो ना, मेरा पैसा। एक ग्राहक ने पूछ लिया, क्या बोल रहा है ये? क्या मालूम क्या बोल रहा है, पागल है साला। अभी दया करके 10-10 समोसे जलेबी खिलाया मैंने, पेट भरते ही ना जाने क्या फितूर सवार हो गया, पैसा मांगने लगा जैसे हम कोई कर्जा खाकर बैठे हैं इसका। होटल मालिक ने अपनी दयानदारी का बखान किया और उसकी बेवजह की मांग से त्रस्त नजर आया। तभी ईंट का एक टुकड़ा उसके कैश काउंटर पर आकर लगा। कई लोगों के मुंह से चीख निकल गई। विक्षिप्त गुस्से से भरा आसपास बिखरे पत्थरों को बटोरने में लगा था। इस बार होटल मालिक की आज्ञा के बिना ही दुकान के दोनों लड़के डंडे लेकर दौड़े और उसे दूर तक खदेड़ आए। एक ने तो उसे 2 डंडे लगा भी दिए। होटल मालिक भी दुकान के बाहर आकर उसे दूर से ही गंदी गंदी गालियां बकने लगा। एक ग्राहक ने उसे समझाया, अब जाने भी दो बॉस, आखिर है तो पागल ही ना। पागल है तो क्या पत्थर चलाएगा, किसी को अगर लग जाता तो मेरा कितना नुकसान कर दिया, इसको इस इलाके से भगाना ही होगा, साला आफत कर रखा है। होटल मालिक बड़बड़ाता हुआ दुकान पर वापस आया और कैश काउंटर की हुई क्षति का मुआयना करने लगा। विक्षिप्त चौराहे पर खड़े होकर लोगों को रो रोकर गुहार कर रहा था, मेरा पैसा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहां गाड़ियों की आमद रफ्त का कोलाहल और लोगों की आवाजाही से भगदड़ का सा माहौल था। किसी को भी उसकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। अंत में विक्षिप्त ने रोना बंद किया और कोहनी पर लगी चोट को सहलाने लगा। फिर वे वहां से चल पड़ा। किसी को उसे उस इलाके से खदेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वह जो गया तो वहां फिर कभी नजर नहीं आया। वह 2000 का नोट उस युवक ने उसे बेख्याली में दिया था या पैसों से मोह भंग की स्थिति में, यह गुत्थी अनसुलझी ही रह गई। हाँ, वह 2000 का नोट उस विक्षिप्त की दुर्दशा और उसे इस चौराहे पर से बेदखल किए जाने का कारण जरूर बना।